अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 6.7 परफॉर्म करेंगे। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट नंबर 6.7 में हमने गिवन सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसकी मोलारिटी 0.1 m होगी, हमने उस सॉल्यूशन से एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिसकी मोलारिटी 0.01 m होगी और फाइनल वॉल्यूम 100 cm³ होगा। मतलब आज के एक्सपेरिमेंट में हमने एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है जिसकी मोलारिटी 0.1 m होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और फिर हमने उसको डाइल्यूट करना है सॉल्वेंट ऐड करके, और फिर हमने ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलारिटी जो है वो 0.01 m होगी और फाइनल वॉल्यूम 100 cm³ होगा। सो आज का एक्सपेरिमेंट हमारा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें अपरेटस चाहिए उनमें बीकर, ग्लास रोड, पिपेट या ग्रेजुएटेड सिलेंडर, फनल, इसके अलावा ड्रॉपर चाहिए और इसके अलावा मेयरिंग फ्लास्क चाहिए। और अपरेटस के अलावा जो हमें केमिकल्स चाहिए उनमें हमें डिस्टिल वाटर और डिस्टिल वाटर के अलावा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए HCl का जिसकी मोलारिटी 0.1 m हो। एक बार ऑपरेटर्स को देख लेते हैं दोबारा से। हमें बीकर चाहिए, फनल चाहिए, ये हमारे पास पिपेट और ड्रॉपर, और इसके अलावा ये हमारे पास मेयरिंग फ्लास्क जिसके 100 cm³ तक वॉल्यूम है, और ये हमें 0.1 m HCl सॉल्यूशन चाहिए। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिससे हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है और इसकी मोलारिटी 0.1 m है, ठीक है, और इसके अलावा डिस्टिल वाटर। सो प्रोसीजर देखेंगे, हमने बेसिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन HCl का लेना है जिसकी मोलारिटी 0.1 m हो, ठीक है, और उससे हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है HCl का जिसकी मोलारिटी 0.01 होनी चाहिए और वॉल्यूम 100 cm³ होना चाहिए। तो ये हमने बेसिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का हमारे पास रिलेशन है m₁v₁ = m₂v₂। m₁v₁ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए होता है, m₂v₂ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होगा, ठीक है। सो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो m₁ हमारे पास कितना है, 0.1 m, ये हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। v₁ हमने फाइंड करना है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, m₂ हमारे पास 0.01 है और v₂ जितना हमने बनाना है वॉल्यूम 100 cm³, ठीक है। सो अब हम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है m₁v₁ = m₂v₂, उसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। m₁ 0.1 है मल्टीप्लाई बाय v₁ हमने फाइंड करना है, m₂ 0.01 है और v₂ 100 cm³ है। हमने v₁ फाइंड करना है तो 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब हम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v₁ आएगा 10 cm³। मतलब हमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए 10 cm³। सो ये हम 10 cm³ वॉल्यूम लेंगे। तो हम पिपेट लेंगे जिसके ऊपर 10 cm³ तक की मेजरमेंट है, हम इससे 10 cm³ या 10 ml तक वॉल्यूम ले सकते हैं, और हमने इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन HCl लेना है, ठीक है, जिसकी मोलारिटी 0.1 m है। ऑल्दो ये जो 0.1 m है ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो मोलारिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान देने है, लेकिन फिर भी चूंकि ये HCl हमारे पास डेंजरस होता है, एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसीलिए हम इसको करते हुए एहतियात करेंगे। सो अब ये देखें, ये मैंने पिपेट में वॉल्यूम लिया है, ये थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो मैं फिंगर को जैसे ही रिलीज करूँगी तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए, 10 cm³ चाहिए। सो ये आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट 10 cm³ तक पेपर में मैंने 0.1 m HCl का सोल्यूशन लिया और उसे मैंने मेयरिंग फ्लास्क में डाल दिया है, ठीक है, जिसके टोटल जो वॉल्यूम जिसमें आ सकता है वो 100 cm³ आ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने फनल लेनी है और फनल लेने के बाद मैंने इसमें डिस्टिल वाटर डालना है, ठीक है। पहले मैं इस मेयरिंग फ्लास्क में 0.1 m HCl 10 cm³ डाल चुकी हूँ, अब मैं फनल से डिस्टिल वाटर डाल रही हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ इस मार्क तक जो है वो फिलअप करना है, ठीक है, ये मार्क तक हम फिलअप करेंगे तो ये वॉल्यूम 100 cm³ होगा। सो मैं ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है वो डिस्टिल वाटर को इसमें ऐड करूँगी ताकि मेरे पास एक्यूरेट मेजरमेंट आए, ठीक है, एक्यूरेट वॉल्यूम आए, इसीलिए मैं ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है वो ऐड कर रही हूँ डिस्टिल वाटर। सो अब आप देख सकते हैं
ये अब हमारे पास जो मार्क है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ तक आना चाहिए। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो लेवल है वो एग्जैक्ट मार्क तक है, ठीक है। सो अब मैं क्लोजर से बंद करूँगी। और सो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलारिटी 0.1 m थी, ठीक है। हमने क्या किया, उसका वॉल्यूम लिया 10 cm³, उसको मेजरिंग फ्लास्क में डाला और डिस्टल वाटर ऐड किया, और इतना डिस्टल वाटर ऐड किया कि टोटल वॉल्यूम मेकअप कितना हुआ 100 cm³। तो इस तरह हमने 0.1 mHCl से हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया 0.01 m।